नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जूनियर असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल क्या है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, क्या कार्य करना होगा, कैसे कैसे आपको किस विभाग में पोस्टिंग मिलेगी, ऑफ आपको कब मिलेगा, आपके वीकली ऑफ क्या होते हैं, ये सब कुछ वर्किंग आवर, ये सब पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसकी एलिजिबिलिटी भी बताने वाला हूँ और इसके प्रमोशन के बारे में। बहुत ही बेहतरीन प्रमोशन होता है आपका जूनियर असिस्टेंट में, मतलब आप जूनियर असिस्टेंट से अधिकारी तक का पद यहाँ पर तय कर सकते हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करना चाहता है तो टीम परीक्षा प्लस के द्वारा जूनियर असिस्टेंट का बेस्ट ऑफर के साथ एक बैच निकाला गया है। आप live.parikshaplus.org या परीक्षा प्लस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, वहां कोर्सेज में जाइएगा और यहाँ UP SSSC चूज करेंगे। ये नया बैच है, आपका मंडे से स्टार्ट हुआ है। 299 ऑफर प्राइस है, मात्र 299 ऐसा प्राइस, ये निःशुल्क ही मानिए। बस ये आपका सर्विस चार्ज एक तरह से बोला जाए ऐप का, वही आपसे लिया जा रहा है। इतने में एक किताब भी नहीं आती है, उतने में ही आपका पूरा फुल बैच, आपको लाइव क्लास मिलेगा। इससे पहले हमने एक आपका रिकॉर्डेड मतलब एक बैच चला रखा है, उसकी रिकॉर्डेड पूरी क्लास आपको दी जाएगी, सेक्शनल टेस्ट जाएगा, PDF नोट्स आपको दिया जाएगा, पूर्णता एकदम पूरा A to Z हर चीज जो भी आपके सिलेबस में दिया है वो सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं वो जाके एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम आते हैं कि जॉब प्रोफाइल में कि आपको क्या सैलरी मिलेगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, ग्रुप सी का ये पोस्ट होता है जूनियर असिस्टेंट। इसमें एलिजिबिलिटी आपका क्या है कि जब से PET आपका लागू हो गया, इसमें PET का स्कोर कार्ड आपका मांगता है, ठीक है, इसके बाद ही आप इसका एग्जाम देते हैं। PET के स्कोर कार्ड के बाद आपका शॉर्टलिस्टिंग होता है, फिर इसके मेंस के फॉर्म भरे जाते हैं। उस यहां मेन एलिजिबिलिटी है आपकी 12 किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई ये नहीं है कि आर्ट साइंस से है, फिर आपका PCM से है, बायोलॉजी से, कोई भी आपका 12th पास हो चलेगा। साथ ही साथ आपका CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, और आपके स्किल में टाइपिंग आपको आना चाहिए। जैसे इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग हो और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग हो, कृति देव या मंगल इंस्क्रिप्ट में आपके दोनों में से कोई एक आता है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। 18 से 40 इसकी एज लिमिट होती है, बाकी रिलैक्सेशन आपको मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ग्रेड पे क्या होता है इसका, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का ग्रेड पे क्या होता है। तो 2000 ग्रेड पे है इसका। इसकी जो लेवल है वो मैट्रिक्स लेवल, जो 7th पे का मैट्रिक्स आया है, लेवल 3, इसमें सैलरी आपको मिलती है जो आपका इसका 5200 से लेकर 20200 तक चलता है। इन हैंड सैलरी की अगर हम बात करें तो 30 से 31 हजार, ये डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहां पे हुई है, ठीक है, उस हिसाब से आपका 30 से 31 हजार की सैलरी आपको ज्वाइनिंग के समय में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पूरा डिटेल में बताऊंगा, सैलरी स्लिप आपको मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए एक सैलरी स्लिप है, इसमें आपको पूरा जूनियर असिस्टेंट, यहां देखिए जूनियर असिस्टेंट की ये आपको पूरा, थोड़ा सा मैं ऊपर करके दिखाऊं आपको, हाँ इसको जूम करते हैं। ये देखिए जूनियर असिस्टेंट नई ज्वाइनिंग का आप देख रहे हैं, बेसिक जो बन रहा है 21,700 रुपया ये बेसिक मिलता है आपको। अब जो DA है वो बाबा जी ने आपका 50% मतलब इसका 50% DA आपको मिलेगा, जो अभी ये 46% पे DA पे कैलकुलेट किया गया है, ठीक है, सैलरी अब 50% कर दिया गया। मैं बता दूंगा कि उसके अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी आपकी सैलरी। बाकी अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो ये जो आपका 1200 है ये HRA है, 1200 HRA आपका HRA। अब ये HRA आपका डिपेंड करता है अलग अलग सौ रुपए, लखनऊ में ये 2400 रुपया मिलता है, ठीक है, लखनऊ के अलग है तो ये सिटी टू सिटी वेरी करता है, तो ये 1200 रुपया है, बाकी और कुछ नहीं। तो ये 32,582 लिखा है कुछ ऐसे, ये आपका ग्रॉस सैलरी बना। अब ग्रॉस सैलरी के बाद आपका NPS डिडक्ट होता है और 100 रुपया आपका इंश्योरेंस का चार्ज कटता है, तो ये आप देख सकते हैं, ये भी जूनियर असिस्टेंट के देखिए। लेकिन ये आपका एक प्रमोशन, ये अभी न्यू ज्वाइनिंग का आप कह सकते हो, और ये 1 ईयर बाद आपका बेसिक जो होगा वो 22,400 हो जाएगा, 22,400 वो एक इंक्रीमेंट लग जाता है आपका इसमें,
700 का एक इंक्रीमेंट लग जाता है, एक साल बाद की सैलरी आप देखोगे तो ये 22,400 बन जाएगा, 21,700 से बेसिक आपका 22,400 हो जाता है। ऐसे हर साल इंक्रीमेंट लगता है आपका, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब मैं सैलरी कैलकुलेट कर दे रहा हूं आपका, यहां पर बेसिक जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो 21,700 आपका बेसिक होगा, इस पे डीए अब जो है 50% की घोषणा कर दी गई है तो 10,850 रुपए इसका आप निकाल लोगे तो डीए मिलेगा। एचआरए आपका सिटी टू सिटी वेरी करता है 1200 से लेकर 2400 तक, तो 1200 आपका ये कहीं भी अगर जाते हो तो 1200 का एचआरए आपको मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलायंस ये जब मिलेगा तब आपको जब आप विभाग के कार्य से कहीं आपको ट्रेवल करना है, सपोज करिए आपकी कहीं पोस्टिंग है मान लीजिए गोरखपुर में, आपको लखनऊ को एक कार्य लेकर आना है तो वहां से आप यहां आएंगे जो खर्चा लगेगा वो सब कुछ आपको विभाग देगा, तो ये डिपेंड करेगा ट्रेवल पे आपको। तब आपकी सैलरी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 33,750 रुपए ये सैलरी आपकी बनेगी। बनने के बाद डिडक्शन होगा, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपका 10% जो है आपकी बेसिक प्लस डीए जो होता है इनको मिला के 10% आपकी कटौती होगी, 3255 रुपए आपका काट लिया जाएगा, ये आपके फ्यूचर के लिए होता है ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से इंश्योरेंस के तौर पर 100 रुपए आपका काटा जाता है, अभी इतनी ही कटौती होती बाकी अभी इसमें कोई और कटौती नहीं होती, तो ओवरऑल आपको इन हैंड सैलरी जो मिलेगी 30,395 रुपए आपकी ये मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इन हैंड सैलरी इतनी आपको मिल रही है, ठीक है। तो अगर सी ग्रुप का ये जॉब है तो ठीक ठाक आपकी सैलरी है, ऐसी बात नहीं है कि सैलरी नहीं है, बाकी आपको इंक्रीमेंट और आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आप डिपेंड, एक तो मेन होता है इसमें आप पूछोगे तुम लोग कि सर ऊपरी कमाई भी है क्या कुछ है, ठीक है वो सब बताएंगे, लेकिन अब मेन मोटो है कि आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि ऊपरी कमाई कैसे करना है, आप ईमानदारी से कार्य करें, मैं एक शिक्षक हूं तो ईमानदारी वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, तो ईमानदारी से कार्य करना है ये ध्यान रखिएगा। अब यहां बात करते हैं वर्किंग की, वर्किंग आप क्या करेंगे, तो सैलरी आप समझ गए ना, सैलरी आपकी 30,395 इतना तो ठीक है, बाकी आपके प्रमोशन होते रहेंगे आगे अच्छे, प्रमोशन का इसमें बहुत बेहतरीन है, प्रमोशन जो एक टाइम जो होना चाहिए, बाकी आप किसी भी विभाग में देखोगे ना तो प्रमोशन का क्या होता है कि समय नहीं पता रहता है कि कितना समय लग जाएगा, 10-10 साल लेखपाल करेंगे तो बहुत समय लगता है प्रमोशन होने में, लेकिन जूनियर असिस्टेंट में एक है कि अगर आप प्रमोशन का इसकी जल्दी है कि 5 साल में प्रमोशन हो जाना है, ठीक है, बाकी तो डिपेंड करेगा कि आगे कैसे सीट खाली है उसके अकॉर्डिंग भी होता है। तो यहां आपकी वर्किंग क्या होगी, रिमेन तो आपका डेटा फीडिंग का एक क्लर्क लेवल पे जॉब है तो आपका डेटा फीडिंग है जनरली, बाकी विभाग को विभाग इसके कार्य जो है वेरी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से आपका अगर कोई सीनियर आपका अपॉइंट हुआ है तो सीनियर के लिए आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा कि उनके कार्य में भी आप कुछ सहायता करिए, तो ये भी कार्य आपको देखना है, अपना कार्य देखना है, एडिशनल वर्क एक तरह से को कहा जाए ये भी आपका है। अब वर्कलोड में पूछोगे सर वर्कलोड कैसा होता है, भाई वर्कलोड जैसा आपका डिपार्टमेंट मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि महिलाओं के लिए तो थोड़ा कम है कि आप सुबह से जाओगे 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका जो टाइमिंग है बहुत होगा, 1-2 घंटा और एक्स्ट्रा आपको रोक दिया जाएगा, लेकिन पुरुषों के लिए यहां पर 10-10 बजे रात तक रोका जाता है ये ध्यान रखिएगा। तो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि जहां डिपार्टमेंट आपको ऐसा मिल गया जहां वर्कलोड ज्यादा है, जैसे राजस्व हो गए, ठीक है, आपका चिकित्सा विभाग हो गया, इनमें वर्किंग लोड जो है आप खुद देखिए कितना ज्यादा है, तो वहां पे फिर आपको कार्य करने के लिए आपको अपने टाइम से ज्यादा रुकना पड़ेगा ये ध्यान रखिएगा। तो यही बोला आपको सर रिटायर प्रमोशन फाइल का रख रखाव भी करना है, सैलरी वाला जो मेंटेनेंस है कि सैलरी मान लो जितने आपके कर्मचारी वहां कार्य कर रहे हैं उनका भी मेंटेनेंस, सैलरी स्लिप का मेंटेनेंस, ये सब कुछ आपके डिपेंड आप पे ही आपको रिकॉर्ड रखने की जरूरत होती है, तो ये सब ही आपके कार्य होते हैं, ये विभाग के ऊपर विभाग के अलग अलग विभागों में अलग अलग आपके कार्य करने होते हैं, तो मेनली कार्य मोटा मोटा इसी प्रकार का होता है हर विभाग का। टाइमिंग क्या है, 10 से 5 की आपका टाइमिंग है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि वर्किंग लोड ज्यादा होने के कारण आपको वहां समय देना पड़ेगा, 2-3 घंटा एक्स्ट्रा, मैंने बताया जैसे पुरुषों के लिए तो ज्यादा वर्कलोड है क्योंकि उनको 9-9 बजे रात तक रोक लिया जाता है, महिलाओं के लिए थोड़ी सी यहां पर नरमी दिखाई जाती है, बस ये है। और उसके बाद से यहां पे पोस्टिंग आपका अगर मान लो किसी विभाग के निर्देशालय में हो गया तब तो आपको थोड़ा ये है कि वीकेंड में 2 दिन ऑफ मिल जाएगा, सैटरडे और संडे। अगर आपको कहीं और पोस्टिंग मिलती है डिस्ट्रिक्ट में, चाहे जहां भी मान लो जिसे आपके विश्वविद्यालय में भी होते हैं क्लर्क जूनियर असिस्टेंट, तो वहां अगर आपकी जहां भी वो बना रहेगा वहां अगर आपकी पोस्टिंग होती है
तो उस केस में आपको जो ऑफ रहेगा वो सिर्फ सेकेंड सैटरडे और संडे का ऑफ आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग जगह का अलग अलग। अब पोस्टिंग कहां कहां होगी, किन किन विभागों में, ये विभाग है आपको जहां जहां ये होंगे वहां वहां पोस्टिंग होगी। जैसे राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग लखनऊ, निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार लखनऊ। तो जितने निदेशालय हैं वो समझ लो कि यहां पर लखनऊ में ही है, तो प्रयागराज में है, तो यहां पर आपका कहीं ना कहीं पोस्टिंग जो मिलता है तो आपको और कहीं जाना नहीं पड़ेगा, पूरी उम्र यहीं रहना है। और सैटरडे संडे का जो एक तरह से बोला जाए कि लाभ भी मिलेगा छुट्टियों का। अब शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, शिक्षा प्रबंधक अनुभाग, शिक्षा निदेशालय प्रयागराज, यहां पर भी पोस्टिंग होती है। एनसीसी निर्देशालय लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग लखनऊ, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ, तभी विश्वविद्यालय है। जैसे मैंने बताया कि जहां पे विश्वविद्यालय जिस जगह पे, ये तो मान लो लखनऊ का है तो लखनऊ में आपकी होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश। उसके बाद से आप देखिए यहाँ पर खेल विभाग लखनऊ, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, मैक्सिमम आपको पोस्ट और लखनऊ का ही मिलेगा यहाँ पर। अब ये नहीं सोचना कि यहाँ लखनऊ लिखा है जिसे राजस्व विभाग लखनऊ लिख दिया, तो ये थोड़ी है कि राजस्व विभाग लखनऊ में आपको लखनऊ ही मिलेगा। राजस्व विभाग लिख दिया तो राजस्व के विभाग जितने भी सब डिवीजन है राजस्व के वहां आपको भेज सकता हर जिले में, ये ध्यान रखिएगा। उच्च शिक्षा जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, तो अब बलिया आपको पोस्टिंग मिल जाए तो अब बलिया में ये कहां पे होगा, हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट में नहीं भी हो सकता है, बलिया में कहीं और गांव के थोड़ा ग्रामीण में इलाके, मतलब एकदम ग्रामीण नहीं होगा, जहां पे हर चीज की सुविधा होगी वहीं पे होगा, ये ध्यान रखिएगा जब विश्वविद्यालय है तो। यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, पंचायती राज विभाग, भूगर्भ जल विभाग, संस्कृति विभाग, राजस्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था, परिवार कल्याण विभाग, स्वर कमीशन वक्फ उत्तर प्रदेश, कई सारे आपके विभाग है। देखिए राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज जो ओपन यूनिवर्सिटी है आपकी, राज्य लोक सेवा अधिकरण इंदिरा भवन लखनऊ, राज्य उपभोक्ता विभाग प्रतितोष आयोग, ये आपके अलग अलग विभागों में आपके पोस्टिंग होंगी। 31 विभाग है, इसमें घटते बढ़ते रहते हैं, अलग अलग जब वैकेंसी आपकी आती है जिसमें पद खाली रहेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर पूरा विवरण आपको दिया रहता है, तो इन्हीं में आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। और नोटिफिकेशन में आपको दिया जाता है जब आप मेंस वाला एग्जाम दे लेंगे तो पोस्ट प्रिफरेंस भी आपसे भरवाया जाता है कि आपका जैसा, जब उसके लिए जाएंगे आप, पहले तो इंटरव्यू होता था तो इंटरव्यू के लिए पोस्ट प्रेफरेंस आपको भराया जाता था कि ऐसे ऐसे पोस्ट प्रेफरेंस बनना है, तो वो पोस्ट प्रेफरेंस भी आपसे भरवाया जाएगा। अब प्रमोशन की बात आते हैं कि प्रमोशन में आप कहां से कब कितना समय लगेगा, ठीक है, और कहां तक आप पहुंच सकते हैं प्रमोशन में। तो सबसे पहले आप जब कनिष्ठ सहायक के तौर पर ज्वाइन करते हैं, जो 2000 ग्रेड पे का वेतन है आपका, मैंने बता दिया कि 30,000 आप इनहैंड सैलरी पाओगे, तो इसके बाद से आपका जो प्रमोशन होगा वो वरिष्ठ सहायक के पद पर होगा, ठीक है। इसका जो ग्रेड पे है 2800 है। बोला जाता है कि 5 साल अगर आपने कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्य कर लिया तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। बाकी ये भी डिपेंड करता है कि अगर आगे, क्योंकि ये आपका अगर हम बात करें तो जो नियमावली है उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, बाकी आपकी जैसे जरूरत पड़ी, हो सकता है आगे कम पोस्ट है, आपके खाली वैकेंट पोस्ट है तो जल्द भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नियमावली में जो बोला गया है वो 5 वर्ष की बोला है सेवा करने पर आपको आगे। अब एक कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है पद ही ना आगे खाली रहे, तो हो सकता है 6 साल में भी हो सकता है, वो डिपेंड भी करता है। तो लेकिन 5 साल में आपके यहाँ पे प्रमोशन के लिए नियमावली में लिखा गया है। प्रशासनिक अधिकारी वेतन में आपका यहाँ पर ध्यान, उसके बाद से प्रधान सहायक है, वरिष्ठ के बाद आपका जो बनेंगे वो आप प्रधान सहायक बनेंगे, इसमें आप 4200 ग्रेड पे पहुंच जाएंगे, अच्छा खासा ग्रेड पे हो जाएगा। और इसमें भी आपको कितना वरिष्ठ सहायक के पदों के लिए पदोन्नति होगा, इसमें भी 5 साल के, इसमें कोई लिखा नहीं है, वो डिपेंड करेगा। यहां पर जैसे बाकी पद में लिख दिया 5 वर्ष पूरा करने के लिए, लेकिन इसके नियम, इस वाले में नियमावली में कहीं नहीं लिखा, हो सकता है 3 साल में कर दे, 5 साल में कर दे, 6 साल में कर दे, इसमें इसीलिए यहां पर लिखा नहीं गया था नियमावली में, ये ध्यान रखिएगा। अब प्रशासनिक अधिकारी जब बनेंगे यहां से, तो यहां बोला है कि अगर ये 5 साल वरिष्ठ सहायक के पद पर आप कार्य कर चुके हैं, प्रधान सहायक पर अगर कार्य कर चुके हैं यहां पर, तब आप जाके क्या बनेंगे, आप 4600 ग्रेड पे में प्रशासनिक अधिकारी का पद पाएंगे। तो देख रहे हैं कि आप चौथे प्रमोशन में आप अधिकारी के पद पर पहुंच गए हैं, ठीक है, 4600 ग्रेड पे। उसके बाद से आपका प्रमोशन होगा तो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पर होगा,
4800 ग्रेड पे का होगा। इसमें भी बोला है कि अगर 5 वर्ष तक आप प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्य किए हैं तो आपका प्रमोशन हो जाएगा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पर। इसके बाद से यहां से प्रमोशन होगा तो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पर होगा। अब यहां तक जाते जाते यहीं तक जाते जाते रिटायरमेंट हो जाती है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि 5400 ग्रेड पे पे होगा। और यहां पर भी यहां जो बोला है वो 3 वर्ष की सेवा, अगर ये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 3 वर्ष पे, 3 ईयर में इसको मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाएगा। या ये भी हो सकता है कि यहां पे बंदे को अगर नहीं प्रमोशन मिला तो 6 साल का अगर एक्सपीरियंस हो गया, आगे जैसा सीट खाली होगा तो उसे भी बना दिया जाएगा। लिखा है 6 वर्ष की सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी के पद से यहां पर डायरेक्ट यहां से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाएगा, तो 6 साल का एक्सपीरियंस पे। तो ये आपके प्रमोशन रहे कि एक कनिष्ठ सहायक से आप ज्वाइन कर रहे हो और एक प्रशासनिक अधिकारी आप पहुंच रहे हो प्रमोशन पे। तो इतना जल्दी अगर 5 वर्ष लिखा है जब इसके नियमावली में, बाकी आप अगर लेखपाल का ले लो तो कम से कम 10 साल, ठीक है, 7 से 10 साल आपको लग जाते हैं प्रमोट होने में। लेकिन यहां अगर लिखा है नियमावली में तो जाहिर सी बात है 5 साल में आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा। तो बेहतरीन आपकी सैलरी भी है, थोड़ा जॉब प्रोफाइल भी आपका, तो वर्कलोड तो है ही है लेकिन आपका एक डेस्क जॉब भी, ऐसा नहीं कि आपको फील्ड में कार्य करना है, ठीक है। तो वो ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग जितने भी लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये माइंड सेटअप बना लीजिए कि मुझे कार्य करने से पीछे नहीं हटना है ना, कि वहां पे हम गाय एकदम कुर्सी पर बैठ के बाद मौज करें। तो ये आज के समय में ऐसा सिस्टम नहीं है कि कुर्सी पर मौज करना है, कुर्सी जिस पर बैठे हो उसका कर्ज अदा करना है, आपको मेहनत करना है और जितना मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी यहां पर सैलरी जो है बताया गया। बाकी जैसे प्रमोशन होगा तो आपका पद भी बढ़ेगा, पावर भी बढ़ेगा और बाकी ऊपर वाला जो पैसा आप लोग सोच रहे हो बाकी वहां पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो, ठीक है। लेकिन इस समय आप ऊपर वाले पैसे पे ज्यादा ध्यान न लगा के अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाइए। और जो बैच से नहीं जुड़े हैं अभी तक, मात्र 299 रुपए में पूरा जूनियर असिस्टेंट का बैच चलाया जा रहा है, आप वहां परीक्षा प्लस एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी आपको डिटेल जानकारी चाहिए जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड, आप वीडियो में जरूर कमेंट करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।